नैनीताल क्षेत्र के चेता पंचायत के समाज सेवी श्रीति देवी पति सुबोध कुमार सिंह के द्वारा चले गांव की ओर एक कार्यक्रम का उन्होंने शुभ उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में चेता पंचायत के सैकड़ों जनता ने भाग लिया। श्रीति देवी पति सुबोध कुमार सिंह का कहना है कि आज से चले गांव की ओर कार्यक्रम के तहत पूरे पंचायत में जनता मालिकों से आशीर्वाद लूंगा और इस आदर्श पंचायत के बारे में क्या लाभ मिला क्या नहीं मिला जनता से जानने की कोशिश करूंगा। चलो गांव की ओर को लेकर अपनी कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और शुभ उद्घाटन भी हुई है इनके द्वारा। हम जानते हैं कि आज से आप अपने गांव और क्षेत्र में चल रहे हैं, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरा पहले से ही मिल रहा है और आज भी मिलेगा और कल भी मिलेगा और हम बुजुर्ग के मान सम्मान के लिए एकदम प्रतिबद्ध हैं। उनका जो भी सरकार का योजना आएगा उस योजना को हम धरातल पर उतारने का हम काम करेंगे। चेता पंचायत एक आदर्श पंचायत होते हुए भी यहाँ की जनता का कहना है कि वैसा व्यवस्था यहाँ नहीं हुआ, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, यहाँ तो लूट खसोट का राजनीति हुआ ना, यहाँ आदर्श पंचायत का नाम आया कहाँ से? जो भी अब अपना विकास किया है यहाँ का प्रतिनिधि, वो विकास करता तो हमारा पंचायत सही में 20 साल आगे की बात हम लोग करते। यहाँ कोई भी काम होता है तो सिर्फ एक गली मोहल्ले में आकर के सिमट जाता है, वो पूरे समाज में और पूरे पंचायत में नहीं होता है। और हम यही कहेंगे कि आदर्श पंचायत हम लोग 20 साल आगे जाने की बजाय 20 साल पीछे चले गए हैं। ये आदर्श पंचायत सिर्फ नाम का आदर्श पंचायत। इनका कहना है कि आदर्श जो पंचायत बना नाम के लिए बना, विकास कुछ नहीं हुआ और यहाँ के जनता इनके साथ है। जनता का भी कहना है कि हम लोगों ने जो भी यहाँ देखा 20 साल में 25 साल में, या बुजुर्ग भी बोल रहे हैं, विकास तो नहीं हुआ है लेकिन लूट खसोट जरूर हुआ है। कैमरामैन निर्भय कुमार के साथ मैं प्रदीप कुमार यादव, R9 भारत, पकड़ी दयाल मोतिहारी। R9 भारत के लिए प्रदीप कुमार यादव की रिपोर्ट, पकड़ी दयाल। मझोलिया थाना क्षेत्र के चनायन बांध पंचायत के वार्ड नंबर 13 निवासी राजकरण मांझी उम्र 70 वर्ष का शौच कर पोखरा में पानी छूने गए, उसी क्रम में पैर फिसलने से पानी में डूबकर मौत हो गई। सूचना पर पहुंची मझोलिया पुलिस सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MJK अस्पताल बेतिया भेज दिया है। ये जानकारी इंस्पेक्टर सह थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी। सूचना मिली कि ग्राम चनायन बांध वार्ड नंबर 13 में रामकरण मांझी उम्र 72 वर्ष, पिता स्वर्गीय तपेश्वर मांझी चनायन बांध वार्ड नंबर 13 पानी में फिसल जाने के कारण उनकी डूबने से मृत्यु हो गई है। इस संबंध में इनकी पुतोहू लखपतिया देवी एक लिखित आवेदन दी है। सबको अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम में भेजा जा चुका है और कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। R9 भारत के लिए मझोलिया पश्चिमी चंपारण से मनीष कुमार की रिपोर्ट। मझोलिया थाना पुलिस ने समकालीन अभियान के तहत 3 शराब कारोबारियों को 8 लीटर देशी चुराई शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। जानकारी थाना अध्यक्ष अशोक कुमार ने दी है। उन्होंने बताया कि थाना कांड संख्या 252/20-180 ml का 24 पीस रॉयल स्टैक शराब मामले में पूर्व में फरार चल रहे बैठनिया निवासी सुमन पांडे उर्फ भैया जी एवं रघुनाथपुर गांव निवासी वीरेंद्र मुखिया के घर से 2 लीटर तथा बेखबरा गांव शिवचंद्र मुखिया के घर से 6 लीटर देसी चुराई शराब बरामद हुई है। 8 लीटर देशी चुराई शराब के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। उधर मुनी देवी रघुपुर के घर से 4 लीटर देशी शराब बरामद हुआ लेकिन कारोबारी भागने में सफल रहा। इस छापेमारी दल का नेतृत्व इंस्पेक्टर साथ थाना अध्यक्ष अशोक कुमार के साथ SI अशोक कुमार, सह SI सुरेश राव आदि पुलिस बल ने शामिल रह के किया। लगातार 2 दिनों से चल रहा था, इसी के क्रम में आज दिनांक 13/9/2020 को काम मझोलिया थाना कांड संख्या 252/20 दिनांक 3/5/20 धारा 30 के बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम 2016 के पूर्व के कारोबारी जो काफ़ी दिनों से फरार चल रहे थे सुमंत कुमार पांडे उर्फ भैया जी पिता मुक्तिनाथ पांडे साकिन बैठनिया वृत्त उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही मझोलिया थाना कांड संख्या 496/21 दिनांक 12/9/2021 धारा 30 के बिहार मद्य निषेध उत्पाद अधिनियम 2016 नया केस है। इसमें 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, शिव चंद्र मुखिया पिता स्वर्गीय कैलाश मुखिया खबरा और दूसरा व्यक्ति है वीरेंद्र मुखिया
पिता स्वर्गीय शिव शिव बचन मुखिया साकिम रघुनाथ ये गिरफ्तारी के समय बीमार पड़ गए। इन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराया गया है। इनके परिजन को साथ लेकर बेतिया में रेफर किया गया जहाँ उनका इलाज चल रहा है। इलाज उपरांत इन्हें नई हिरासत में भेजा जाएगा। साथ ही इस कांड में मुन्नी देवी पति दुखी मुखिया साकिम रघुनाथपुर आरोपी है। इनके घर से 4 लीटर देसी चुराई शराब बरामद हुआ है जो फरार चल रही हैं। इस प्रकार इस कांड में 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं, 1 फरार चल रही है। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझूलिया पश्चिमी चंपारण से।